हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रसोई। आज हम सब बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर। इसे आप स्टार्टर के रूप में ले सकते हैं या ऐसे हल्के फुल्के शाम के नाश्ते में भी ले सकते हैं। यह बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगता है। इसे आप सॉस के साथ या शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को आप किसी भी पार्टी फंक्शन या शादी ब्याह में स्टार्टर के रूप में यूज कर सकते हो। यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी क्रिस्पी बेबी फिंगर की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ मैंने 250 ग्राम के बराबर बेबी कॉर्न लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। चलिए सबसे पहले इसके मुंह को हटाकर इसे हम दो भाग में ही कट करेंगे, क्योंकि इसका हमें क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर बनाना है। इसे हम दो भाग में कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बेबी कॉर्न को दो भाग में लंबाई में काट लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे बेबी कॉर्न को दो भाग में कट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ हम लेंगे एक कटा हुआ ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, और लेंगे लेज। आप किसी फ्लेवर का लेज ले सकते हो। और इसका ढक्कन बनकर इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इसे हम बॉल में डाल लेते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्पी फिंगर बनाने के लिए घोल तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1/3 कप मैदा लिया है। इसमें डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 टेबल स्पून डालनी है चावल का आटा। इससे उसमें क्रिस्पनेस बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें ऐड करनी है 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर अच्छा आएगा, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे जो स्वाद अनुसार है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को सूखा ही पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसका हम घोल तैयार करेंगे। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही फ्रेंड्स इसे मिक्स करनी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगे और वो जल्दी खत्म नहीं होंगे। इसलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका घोल तैयार करना है। तो चलिए, इसमें हम थोड़ा और पानी डाल देते हैं और इसका घोल बनाते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें और पानी डालनी होगी। इसका कलर अच्छा लाने के लिए इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो इसमें आप अलग से रेड चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से घोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फाइनली घोल तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इस तरीके से बेबी फिंगर को इसमें डालकर इसके ऊपर से घोल लगाकर और इसे हम ब्रेड में डाल देंगे। इस तरीके से इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है। आप स्पून की सहायता से इसके ऊपर कोटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से हम सारे बेबी फिंगर का कोटिंग कर लेंगे। चलिए, हम दूसरा पीस लेते हैं। इसे भी हम डालेंगे घोल में। घोल में डालकर इसे हम अच्छे से डिप कर लेंगे। फिर इसे हम निकाल कर इसके ऊपर ब्रेड की कोटिंग कर लेंगे, जो ब्रेड के चूर्ण है उसकी कोटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ब्रेड के साथ साथ लेज भी डाला है।
जिससे बेबी कॉर्न क्रिस्पी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लेज क्रीमी एंड ऑनियन फ्लेवर लिया था, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हो, इसमें आप ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हो, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब मैंने यह रेसिपी अपने घर पे बनाई थी एक पार्टी में, तो सबको बहुत ही पसंद आएगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इसमें एक्स्ट्रा लेज डाला था जिससे इसकी क्रिस्पनेस बहुत ही अच्छी आई थी और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आया था। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जितना हो सके आपको जितना भी बनाना है जितने लोगों के लिए उतना ही बनाएं, या गर्मा गर्म ही बनाएं और सर्व करें, यह बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मुझे जितना बनाना है उतने की मैं कोटिंग करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखें, आपको जितना बनाना हो एक समय में उतना आप पहले से इसकी कोटिंग करके रख लो, नहीं तो तेल बाद में जल जाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप पहले से ही इसकी कोटिंग कर लोगे तो आप लगातार इसे फ्राई कर सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ जितना बनाना है उसकी मैं कोटिंग करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी इतना ही बनाऊंगी, तो मैंने इतनी कोटिंग करके रख ली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 7 बेबी फिंगर कोटिंग करके रख लिया है, अभी मैं इतना ही तलूंगी। तो चलिए, मैंने तेल अच्छे से गर्म करके रख लिया था, पहले तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसका फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है। यहाँ फ्रेंड्स, जितना उतना हम बेबी फिंगर्स डाल देंगे। क्रिस्पी बेबी फिंगर्स बनाने के लिए तेल अच्छे गर्म होने चाहिए, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो यहाँ देखिए, जब यह एक तरफ से लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी से हम पलट देंगे। तो चलिए, इसे मैं पलट देती हूँ। इसे हमें अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन करनी है, इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, इससे यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो इसे हम अलट पलट करके फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो सबको बहुत ही पसंद आई थी, तो मुझे आशा है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो एक बार फ्रेंड्स यह वीडियो पूरा देखें और यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ऑयली तो है फ्रेंड्स, पर यह टेस्टी बहुत ही है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। यह क्रिस्पी फिंगर बनाने के लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और फ्रेंड्स यह बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो चलिए, इसे मैं छान लेती हूँ। छनौटे की सहायता से इसका मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लूँगी और जो भी इसमें ऑयल हो उसे मैं टिश्यू पेपर पर डालूँगी, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल अच्छा गर्म है, जो बचे हुए उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसे मैं एक एक करके डाल देती हूँ। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह फ्राई हो रहा है, इसका कलर तो चेंज हो गया। इसे हम अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ज़्यादा देर तक फ्राई करें, यानी इसका कलर हमें थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन करनी है, जिससे यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा। बस इसे जलाना नहीं है, बस कलर चेंज करनी है। यहाँ बहुत ही अच्छे से बेबी फिंगर
तैयार हो गया है फ्राई होकर। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया, यह बहुत ही क्रंची लगेगा फ्रेंड। तो आप इसी कलर का बनाएं अगर आपको क्रिस्पी बेबी फिंगर खानी है तो। इसे मैं छनौटे की सहायता से छानकर टिश्यू पेपर पे डाल लेती हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ मैंने बेबी फिंगर फ्राई कर लिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ, आप इसे अपने तरीके से सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स यकीन मानिए यह बेबी फिंगर बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है, आप किसी भी स्टार्टर में, शादी ब्याह, किसी भी फंक्शन में बना सकते हो। बेबी कॉर्न क्रिस्पी फिंगर को आप फ्रेंड्स टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, सेजवान चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी या किसी भी चटनी के साथ खाएं, यह बहुत ही टेस्टी लगेगा। या ऐसे भी खाएं तो भी यह बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स अगर यही रेसिपी अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो तो यह बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसे मैंने बहुत ही कम बजट में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार किया है। चलिए फ्रेंड्स इसे मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये रेसिपी, मैं हमेशा यह ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए यह बहुत ही क्रिस्पी बना है, इसे मैं सॉस के साथ टेस्ट करती हूँ, यह बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लाजवाब। अगर आप सबको फ्रेंड्स यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार यह रेसिपी बनाएं, खाएं और मुझे अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।